What's up guys? अगर हम मार्केट में जाते हैं 15,000 रुपए का स्मार्टफोन लेने तो आजकल, तो इसलिए मैं 2022 की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे एक अच्छा स्मार्टफोन मिलना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। अगर किसी स्मार्टफोन का कैमरा बहुत अच्छा है तो हो सकता है उसमें डिस्प्ले बहुत खराब हो, डिस्प्ले अच्छी हुई तो हो सकता है कि उसमें जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो बहुत पुराना या फिर कैपेबल ना हो, और इसी के साथ साथ हो सकता है उसके डिजाइन में कमी हो। तो बहुत सारी कमियां हैं जो एक के बाद एक निकल के आती है। मतलब ओवरऑल स्मार्टफोन खोजना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो ऐसे में हमारे पास एक नया स्मार्टफोन है जो इस प्राइस रेंज में कुछ ऐसे फीचर्स लेके आता है जो अब से पहले नहीं मिले हैं। जैसे 108 मेगापिक्सल कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, और इसी के साथ साथ पीओलेड डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज, थिंक शील्ड और बहुत सारी ऐसी चीजें। और फोन है मोटो G72। ऑलरेडी हम इसको काफी टाइम से यूज कर रहे हैं, तो पूरी कहानियां हमारे पास है कि क्या कुछ स्पेशल मिलने वाला है। आफ्टर डिस्काउंट ये फोन आपको 14,999 में मिलेगा। तो कैसे इसको ग्रैब करना है और क्या कुछ स्पेशल मिलता है, वेल अनबॉक्सिंग रिव्यू सब साथ में कर लिया जाए। तो आप एकदम कनेक्शन बनाओ, सब्सक्राइब करो और हम इस बॉक्स से कनेक्शन कट करते हैं जो ऑलरेडी कर चुके हैं, एक बार फिर से रीपैक करके अनबॉक्स करते हैं। तो वही मोटोरोला का टिपिकल बॉक्स। मुझे लगता है कि यहाँ पे मोटोरोला को थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। फोन अच्छे होते हैं लेकिन बॉक्स एक्सपीरियंस वो का वही है। एप्पल से कुछ सीखो यार। अब इसको ओपन करके जैसे ही हम अंदर घुसते हैं, सबसे पहले फोन ही पड़ा हुआ है और ऑलवेज यूज प्रोटेक्शन, इस नारे को मोटोरोला अच्छे से यूज करता है, तो प्रोटेक्शन इसी के साथ लगी हुई है। नीचे जैसे ही चलते हैं तो सिम इंजेक्टर पिन है, कुछ दस्तावेज जो हमें सिखाएंगे कि फोन को कैसे हम लॉक अनलॉक करें और इसके फंक्शंस को यूज करें। साथ ही 33 वोल्ट की बड़ी सी चार्जिंग ब्रिक और USB टाइप सी केबल। पर कुछ अच्छा, ऐसे नहीं कि चार्जर गायब कर दिया, ये गायब कर दिया, वो सारी चीज़ें रहनी चाहिए, बस प्रीमियमनेस थोड़ी सी ऐड हो जाए तो एकदम मज़े ही हो जाएंगे। और ये सब हटा के हमने जैसे ही फ़ोन के कपड़े उतारे तो हमें रियलाइज हुआ कि भाई बहुत ही पतला है। 7.9 mm की थिकनेस, 166 ग्राम का वेट। और वेट देखते ही सबसे पहले चीज़ जो मेरे दिमाग में आई कि भाई बैटरी पक्का छोटी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है भाई, इसको पूरा पावर पैक किया गया है। मतलब आपको जब मैं बताऊंगा ना इतनी कैपेसिटी है तो आपको यकीन ही नहीं होगा कि हाउ इज इट पॉसिबल। इसके बैक में थोड़ी सी मैट टाइप फिनिश देखने को मिलती है, थोड़ा सा फिंगरप्रिंट मैग्नेट ये है, बट स्टिल काफी ज्यादा प्रीमियम फील देता है। इसको कवर के साथ आप यूज कर सकते हो, लेकिन इसकी जो ब्यूटी है वो ऐसे ही निकल जाएगी। इसकी ऊपर और नीचे के जो फ्रेम्स हैं वो बिल्कुल सपाट हैं, जिसकी वजह से आप खड़ा कर सकते हो अपने फोन को। क्या बोला तूने? और इसी के साथ साथ आपको डॉल्बी एटमॉस की ब्रांडिंग यहाँ पे देखने को मिल जाती है। 3.5 mm जैक भी है, टाइप सी है, इसमें आपको ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं और सामने की तरफ आपको सिमेट्रिकल बेजल्स मिलते हैं। मतलब यहाँ पे काफी अच्छी इंस्पिरेशन ली है मोटोरोला ने, वेल एंड गुड। और इसी के साथ साथ ये इसका काफी ज्यादा छोटा है पंच होल। चलो डिजाइन इसका काफी ज्यादा यूनिक है, डेफिनेटली काफी अच्छा लगता है, लेकिन बाकी चीजों का क्या। यहाँ पे आपको 6.6 इंचेस की पीओलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है और ये एक 10-bit पैनल है। लिटरली आपको मिलियंस ऑफ कलर यहाँ पे बहुत अच्छे से डीपली दिखाए जाएंगे, और इसी के साथ साथ 120 हर्ट्ज की हायर रिफ्रेश रेट है। और इसी के साथ साथ इस बजट में आने वाली सबसे बड़ी, मतलब 576 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट आपको देखने को मिलती है, जो गेमिंग में आपका एक्सपीरियंस एकदम छप्पर फाड़ के निकाल देगी। मतलब स्मूथनेस काफी ज्यादा कमाल की है, और इसका जो स्टोक एंड्रॉइड है वो इस पे और भी ज्यादा चार चांद लगा देता है। और जब इतने बड़े बड़े नंबर सुनी लिए हैं तो एक और, यहाँ पे 1300 मैक्स नीट्स ब्राइटनेस मिलती है, जो इंडोर आउटडोर हर जगह जहां पे हमने टेस्ट किया वहां बिल्कुल चांदनी बिखेर के रखी है। और इसी के साथ साथ इसकी जो कलर्स हैं, जो इसकी डेप्थ है, वो भाई इतने ज्यादा रंगीन है कि रंगोली भी शर्मा जाए। तो डिस्प्ले भी अपने आप में इसमें एक यूनिक पॉइंट बन जाता है, साथ ही में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट। मोटोरोला के फोन में वैसे तो भाई 30-40 हज़ार में फिंगरप्रिंट इन डिस्प्ले नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको इस प्राइस में भी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मिल रहा है। और इसी के साथ साथ आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए फोन अपने साथ लेके आता है हार्डवेयर बेस्ड थिंक शील्ड सिक्योरिटी, इतनी कमाल की आपके गुप्त राज कोई नहीं देख पाएगा। और अब जम करें अपनी सबसे फेवरेट चीज के ऊपर, और वो है कैमरा। यहाँ पे आपको क्वाड रियर कैमरा नहीं मिलते हैं, लेकिन क्वाड फंक्शन कैमरास मिलते हैं। अब आप बोलोगे ये कैसे, तो यहाँ पे 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, और यही 8 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर का भी काम करता है। मतलब भाई एक तीर दो निशाने। और यहाँ पे 2 मेगापिक्सल का मैक्रो फालतू है, मतलब जो तीन कैमरास हैं वो डेफिनेटली आपके बहुत काम आने वाले हैं। और 16 मेगापिक्सल की सेल्फी है, आप 1080p 60fps पे रिकॉर्ड कर सकते हो। ये मुझे आज के वक्त की सबसे ज्यादा गंदगी लगती है, पता नहीं क्यों। मतलब 4K में अगर सपोर्ट मिल जाए तो कितना सही रहता है यार। 2019-20 में आराम से स्मार्टफोन आते थे इस प्राइस में 4K को लेके, लेकिन आजकल कोई भी नहीं लेके आ रहा, तो मोटोरोला को क्या ही बोलना।
तो अगले इस फोन पे हम बुराई का भांडा नहीं फोड़ सकते। बाकी हमने बहुत सारी फोटोज वीडियोज इससे लिए हैं जो वन बाय वन करके आप देख सकते हो। मोटोरोला ने कलर्स पे काम किया है, अपना जो कैमरा यूआई है उसको पूरी तरीके से चेंज कर दिया है, मतलब फीडबैक ले रहा है, और ये बहुत ही कमाल चीज होती है क्योंकि किसी भी ब्रांड को बड़ा बनाने के लिए कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है, और इस चीज को लेके चलना अपने आप में बहुत ही डिफिकल्ट भी होता है और आगे जाके रिजल्ट में बहुत अच्छा भी होता है। साथ ही इस फोन में 5000 mAh की बैटरी है। सच में भाई 166 ग्राम में 5000 mAh और इस पतले से फॉर्म फैक्टर में 5000 mAh की बैटरी को पैक करना अपने आप में बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट, बहुत ही कमाल की इंजीनियरिंग, और मतलब आसान काम बिल्कुल भी नहीं है। पर एक काम बिल्कुल आसान है और वो है अभी लाइक करके वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इससे बहुत सारे ऐसे अनासान काम हैं जो हम आपके लिए करेंगे। और साथ ही 33 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है, कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट मिलता है हर जगह आपको, तो ये अपने आप में काफी कमाल की चीज है। और इसी के साथ साथ हाइब्रिड सिम स्लॉट है जो डेडिकेटेड होता तो और मजा आता। और इसी के साथ इसमें आपको मिलते हैं ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर जो बहुत ही ज्यादा लाउड हैं, जिसकी वजह से ये पीछे की तरफ से थरथराने भी लग जाता है। और इसी के साथ साथ डॉल्बी एटमोस का सपोर्ट भी मिलता है। चलिए थोड़ा सुन लिया जाए और सुना दिया जाए ताकि आप भी डिसाइड कर पाओ कि कैसे स्पीकर्स हैं। बाकी बात करें इसकी रीढ़ की हड्डी मतलब इसकी ताकत की, तो यहाँ पे आपको MediaTek Helio G99 मिलता है, जो काइंड ऑफ लेटेस्ट प्रोसेसर बोल सकते हो आप। Helio G95, G96 सबका एक सक्सेसर के रूप में निकल के आता है। बाकी 4G फोन तो अपने आप में है ही है, जो मेट्रो सिटीज में रहते हैं या फिर जिनको लगता है कि मुझे 5G को ट्राई करना है वो इसको ना ले तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ पे आपको 5G नहीं मिलेगा, 4G कनेक्टिविटी है सिर्फ। बाकी हमने इस प्रोसेसर के साथ जितने भी टेस्ट किए हैं सब वन बाय वन आप देख लो, और सबके नंबर देख के आप जज कर सकते हो कि कितनी अच्छी परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। और बाकी परफॉर्मेंस में आपको कोई कमी नहीं होगी, ये वाले जो प्रोसेसर हैं वो परफॉर्मेंस के मामले में बहुत बहुत ही ज़्यादा सही हैं। और इसी के साथ साथ आपको PUBG में लाइट ग्राफिक्स में 90 FPS का सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ये जो अपने आप में बहुत बहुत ही ज़्यादा सही है भाई। इसी के साथ साथ LPDDR4X बेस्ड UMCP टाइप स्टोरेज जो UFS 2.1 और 2.2 के बीच में वेरी करती है, जो रीड राइट की स्पीड को बहुत ज्यादा फास्ट बना देती है। बाकी यहाँ पे आपको क्लीन सपाट एक्सपीरियंस मिलता है, कोई भी अनवांटेड ब्लूटवेयर नहीं है। MyUX मतलब ऑलमोस्ट टोक एंड्रॉइड वाली फील आपको मिलती है, साथ ही में मोटोरोला जेस्चर्स का आपको सपोर्ट मिल जाता है, तो सारी चीजें ऑलरेडी बहुत ज्यादा सेटल्ड हैं। इस मामले में आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम मोटोरोला पहले से ही नहीं होने देता है, और अभी तो बिल्कुल नहीं होगी। तो ये सारा माल मसाला आपको जिस प्राइस रेंज में मिल रहा है वो है 18,999 रुपए, जो डेफिनेटली मुझे थोड़ी सी ज्यादा लगी है, लेकिन आफ्टर डिस्काउंट ये फोन आपको 14,999 रुपए में मिलता है, मतलब अंडर 15,000 में 108 मेगापिक्सल POLED 120 हर्ट्ज थिंकशील्ड एंड्रॉइड 12 और इसी के साथ साथ स्टोक एंड्रॉइड और इतना कमाल का डिजाइन। और जो डिस्काउंट आपको मिल रहा है वो आप अगर कोई ओल्ड फोन अपना एक्सचेंज करते हो तो एक्सचेंज की वैल्यू आपको जितनी उसकी मिलेगी प्लस 3000 और ऑफ मिलेगा, प्लस और डिस्काउंट्स ऐड करके 14,999 रुपए का ये फोन आपको मिल सकता है। और इस प्राइस रेंज में मैं 100% बोल सकता हूँ कि ये 110% वैल्यू फॉर मनी फोन है। अगर दसो यार यही है कहानी इसी मोटोरोला G72 की। बाकी आप मुझे नीचे लिख के बताओ कि आपका क्या मानना है 14,999 रुपए की इस प्राइस रेंज में इस फोन के बारे में। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब वाले सारे काम करते रहो, और तब तक के लिए